चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। महात्मा गांधी ने कब व किस तनाव से दुखी होकर 11 दिनों तक उपवास रखा था? तो यह है 1924 ईस्वी में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे लाहौर षड्यंत्र में? अगला क्वेश्चन है हमारा, हम या तो भारत को आजाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसका था? ये महात्मा गांधी का। अगला वर्ष 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? तो यह सूरत अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? यह रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट। अगला है सुभाष चंद्र बोस से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब और कहाँ किया गया था? सन 1943 में सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा किया गया? अहमदिया आंदोलन। अगला है, मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था? 27 मार्च 1947। अगला क्वेश्चन है, चंपारण जनपद में तीन कटिया प्रथा का तात्पर्य था? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। अगला है, भारतीय राजाओं के अखबारों का दमन करने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित? 1878 में। अगला क्वेश्चन है, 23 दिसंबर 1912 को गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंकने का कांड किसके नेतृत्व में हुआ था? रास बिहारी बोस के। अगला है, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक एक छोटे से गांव में थाने में आग लगा दी गई जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के कारण गांधी जी ने अपना कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव ने। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार का वास्तविक उद्देश्य क्या था? द्वैध शासन प्रणाली लागू करना। अगला क्वेश्चन है, राजगोपालाचारी ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया जिसे उन्हीं के नाम पर राजगोपालाचारी फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। यह फॉर्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। गांधी जी की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया थी? गांधी जी ने इसका समर्थन किया। अगला क्वेश्चन है, सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित था? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। अगला क्वेश्चन है, नागा आंदोलन नागा जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया जिसका नेतृत्व युवा नागा नेता जादो नांग ने किया। अंग्रेजों के विरुद्ध रोक अख्तियार कर लेने पर अंग्रेजों ने जादो नांग को गिरफ्तार कर 1931 में फांसी पर लटका दिया। इसके बाद इसका नेतृत्व किसी युवती द्वारा किया गया? एथिन गिडेन लियू द्वारा। अगला है, सिख फौज आंदोलन कहाँ और कब हुआ? असम में हुआ 1830 में। अगला क्वेश्चन है, ट्रिब्यून समाचार पत्र का प्रकाशन और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हर सिंह लाल ने। अगला है, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फुलिन दास द्वारा। अगला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। अगला है, लॉर्ड
लिट्टन के शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि प्रदान की गई? केसर ए हिंद। अगला है श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशियोलॉजिस्ट व मैडम कामा का वंदे मातरम पत्र, जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय के महत्वपूर्ण प्रकाशन थे, कहाँ से प्रकाशित किए गए? एक क्रमशः लंदन और पेरिस से। श्यामाजी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशलिस्ट लिस्ट ये लंदन से, और मैडम कामा का वंदे मातरम ये पेरिस से। ठीक है, अगला खैरा में किसान आंदोलन का संगठन किया महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1883 में प्रस्तावित तत्कालीन गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के न्याय सदस्य सर एल्बर्ट के नाम से, एल्बर्ट बिल का आधिकारिक नाम है, क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड बिल। अगला यूरोपीय नील बगान मालिकों द्वारा बंगाल में किसानों के शोषण के परिणाम स्वरूप बंगाल का नील आंदोलन शुरू हुआ, जिसे 1869 में लिखित नाटक नील दर्पण में दर्शाया गया। इसके लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्रा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल टर्नेसी एक्ट जिसे जिसके अनुसार किसानों द्वारा 12 वर्षों तक एक ही गांव में एक ही भूमि पर खेती करने पर उसे इस भूमि का दखलंदा जीव अन्य अधिकार दिए गए थे, कब लागू किया गया? 1885। अगला क्वेश्चन है, दो होम रूल लीग स्थापित किए गए, पहला 1 अप्रैल 1916 में बीजे तिलक द्वारा, और दूसरा था सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा। अगला है, 1919 में लागू किए गए एनार्कीकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराध विधेयक का लोकप्रिय नाम क्या था? रोलेट एक्ट। अगला है, ओटोमन तुर्क साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हार के कारण मुसलमानों का नाराज होना, सेवर की संधि में तुर्कों के साथ कठोर शर्तों का आग में घी का कार्य, अंग्रेजों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उकसा जाने से अरब में विद्रोह जिससे भारतीय मुस्लिमों की भावनाओं का आहत होना आदि किस भारतीय आंदोलन के कारण थे? खिलाफत आंदोलन के। अगला क्वेश्चन है, हमारा तीसरे गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक कांग्रेस के किस प्रतिनिधि ने भाग लिया था? याद रखिए, इस अधिवेशन में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि द्वारा भाग नहीं लिया गया था, केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ठीक है, कांग्रेस की ओर से। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत से धन का दोहन किया, जिसे अर्थशास्त्री आरसी दत्त दादा भाई नौरोजी तथा अन्य लोग आर्थिक दोहन के नाम से पुकारते थे। इस संबंध पर पॉवर्टी एंड अनबेटेड रूल इन इंडिया किसकी कृति थी? दादा भाई नौरोजी की। अगला क्वेश्चन है, जनता के बेहतर जीवन एवं काम के लिए एम एम जोशी ने 1911 में बंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। उन्होंने 1920 में बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। यह संगठन सोवियत संघ की ओर से झुकने लगा, तो 1929 में इससे अलग होकर इन्होंने किस संगठन की स्थापना की? तो यह है, याद रखना, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन तथा भारत में यंग इंडिया साप्ताहिक पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित किए, उन्होंने गुजराती में किस पत्र का प्रकाशन किया? नवजीवन का। अगला क्वेश्चन है, विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने विभिन्न भाषाओं में प्राचीन पांडुलिपियों का एक विशाल भंडार जमा किया, और विद्वतापूर्वक पत्रिका जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रकाशन किया। विलियम जोन्स ने कालिदास के किस नाटक का अनुवाद किया? अभिज्ञान शाकुंतलम का। अगला क्वेश्चन है, निम्न व्यक्तियों का किन किन संगठनों से संबंध था? महादेव गोविंद रानाडे,
देरो जियो, श्री नारायण गुरु, नवाब अब्दुल लतीफ। तो याद रखिए इनका क्रमशः था इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, यंग बंगाल मूवमेंट, फिर श्री नारायण धर्म परिपालन एवं, फिर मोहम्मद मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी। तो याद रखिए महादेव गोविंद रनाड़े संबंधित हैं, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस से संबंधित, फिर हमारे देरो जियो ये यंग बंगाल मूवमेंट से संबंधित थे। श्री नारायण गुरु की बात करें तो ये श्री नारायण धर्म परिपालन एवं से संबंधित थे। नवाब अब्दुल लतीफ थे मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी से संबंधित। अगला है 1878 के वर्नाकुलर प्रेस कानून के तहत प्रेस की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए, और 1819 के हथियार कानून के द्वारा भारतीयों के हथियार रखने को जुर्म ठहराया गया। ये कानून किस वायस वायस राय के कार्यकाल में हुए? लॉर्ड लिटन। अगला है आगा खां के साथ मुस्लिम शिष्टमंडल अक्टूबर 1906 में शिमला में वायस राय मिंटो से मिला। शिष्टमंडल का नेता कौन था? आगा खां। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, जो उनका स्वागत आम हड़तालों व प्रदर्शनों द्वारा किया गया। वे कब भारत पहुंचे? 17 नवंबर 1921 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी चोरी चोरा नामक स्थान पर जनता भड़क उठी और उसने एक पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 12 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन रोकने का फैसला किया था? असहयोग आंदोलन।